हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू वाशीष सिंह लेक्चर्स आई एम मदीहा खान योर फ्रेंड हु इज देयर टू हेल्प यू विद योर इंग्लिश लैंग्वेज तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है जर्नी टू द द एंड ऑफ अर्थ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का मतलब क्या हुआ बिल्कुल अर्थ के एंड में जहां से आगे कुछ नहीं हो जहां से आगे नहीं जाया जा सके ऐसी जगह है ना और इस ग्लोब में तुम्हें क्या दिख रहा है एंटार्टिका दिख रहा है तुम्हें कौन सी जगह है ये है एंटार्क्टिका तो बेसिकली हमारा ये जो चैप्टर है ये किसने लिखा है लिखा है तिशानी ने ठीक है इस चैप्टर में जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि भाई जैसी जगह और उसके बारे में बात हुई है की एंटार्क्टिका पहले कैसा था अभी कैसा है ह्यूमन इम्पैक्ट क्या पड़ा उस पर यह सारी चीजें हम इस चैप्टर में जानेंगे तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड early this year I found myself aboard a Russian research vessel the Academic Achha, Academic क्या है भाई तो, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि भाई जो author हैं वो क्या कह रहे हैं कि मैंने खुद को कहाँ पाया एक रशियन रिसर्च में है ना जहाँ वो कैसे इस ट्रिप में वो अकादमिक शॉकाल्स की में हेडिंग टो अवर द कॉल्डेस्ट ड्राइएस्ट विंडीएस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड एंटार्कटिका ठीक है कहाँ जा रहे थे कहाँ एंटार्कटिका ठीक है माय जर्नी बिगिन 1309 09 डिग्री नॉर्थ ऑफ़ द इक्वेटर इन मद्रास एंड इंवॉल्व्ड क्रॉसिंग नाइन टाइम ज़ोन्स रास्ते में जर्नी थी आउट, उसमें कितने, कितने देखो तो उन्होंने नहीं इन्होंने नाइन तो टाइम जोन टाइम जोन्स क्या होता है जो डिफरेंस आ जाता है ना टाइमिंग में होता है ना कि भाई हमारे टाइम में अलग है और वहां बाहर की तरफ टाइम जोन अलग होता है जर्नी नाइन सिक्स चेक पॉइंट थ्री बॉडीज ऑफ वाटर एटलीस्ट एज मैनी इक्वस्फेयर इक्वस्फेयर क्या होती है जो जीव जंतु पेड़ पौधे होते हैं उनके रहने की जो ऑब्वियसली जगह होती है योग्यता के अनुसार वो आपकी क्या गिलती है इकोस्फेयर बताइए ना बाई द टाइम आई एक्चुअली सेट फूड ऑन द एंटार्क कॉन्टीनेंट आई हैड बिन ट्रेवलिंग ओवर हंड्रेड आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ अ कार एन एरोप्लेन एंड अ शिप है न और जब उन्होंने एंटार्क्टिका में अपना पैर रखा कितना टाइम हो गया था कितनी घंटे की ट्रैवलिंग हो गई थी ऑलमोस्ट सौ घंटे की ट्रेवलिंग हो गई थी बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार एन एरोप्लेन एंड अ शिप मतलब थोड़ा बहुत ट्रैवल कार से करना पड़ा थोड़ा बहुत एरोप्लेन के थ्रू हुआ और शिप से हुआ। जो शिप कौन सा था एक्सपेंसिव so अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है ई होता है ए की जगह तो आप क्या बोलते हैं कि यहाँ पे महंगा लेकिन ये एक्सपेंसिव का मतलब क्या हुआ फैला हुआ विशाल है ना तो यहाँ पे ध्यान रखना एक्सपेंसिव और एक्सपेंसिव में डिफरेंस क्या है कि एक्सपेंसिव होता है कोई चीज महंगी होना बहुत ज्यादा और एक्सपांसिव कोई चीज जो है बहुत ज्यादा फैली हुई मतलब एरिया की बात हो रही है यहाँ पे ठीक है लैंडस्केप एंड ब्लू रिलीफ है ना और कैसा था वाइट कलर का क्या था ऑब्वियसली हर तरफ बर्फ और ऐसा बर्फ वाला इलाका है एंटार्क्टिका ज्यादातर तो कैसा हो रहा था सब बिल्कुल वाइट दिख रहा था हर तरफ एंड इमीडिएट सॉरी एंड अन इंटरप्टेड ब्लू होराइजन वॉज रिलीफ

Wonder at its immensity, its isolation, but mainly, mainly at how there could ever have been a time when India and Antarctica was part of the same landmass. ठीक है, landmass. अब भाई किस चीज की जो thought थी वो क्या थी कि भाई ये कितना ज़्यादा immensity होता है, विशाल होना बहुत ज़्यादा ही बड़ा area था वो तो किस चीज की थॉट किस इतना गहरा थॉट किस चीज का हो गया कि भाई जो इतनी विशाल जगह है ये है ना और कैसी इट्स आइसोलेशन मतलब अलग है ना आइसोलेट होना क्या होता है सबसे अलग रहना है ना ऐसी जगह जो सोचने में भी नहीं आती कि कभी इंडिया और अंटार्कटिका एक ही लैंडमार्क में आते थे अभी अलग है ना पहले एक ही लैंडमार्कस में आते थे ये सोचने में भी कैसा लगता है यार अगर ये पूरा इंडिया के अंदर आ रहा होता है लैंड में आ रहा होता तो कितना ज्यादा विशाल होता तो ये बात सोचने में आ रही थी ऑथर को कितना क्लियर हुआ अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है पार्ट ऑफ द हिस्ट्री अब पार्ट ऑफ द हिस्ट्री का मतलब क्या हुआ कि भाई जो पहले की जो बात है जो पहले कैसा था एंटार्क्टिका पुराने टाइम में इंशियट टाइम में जो भी था उस तरीके की जो बात है अब वो कर रहे हैं पर मतलब उनको नॉलेज मिल रही है यहाँ पे है ना तो अब देखो यहाँ पे पार्ट ऑफ द हिस्ट्री में क्या है सिक्स मिलियन ईयर्स अगो कितना कितना है यहाँ पे भाई सिक्स हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलियन ईयर्स आगो सुपर कॉन्टिनेंट सिर्फ कॉन्टिनेंट नहीं बोला जा रहा सुपर कॉन्टिनेंट अमाल मतलब होता है मिला हुआ एक रित्र... है ना एक साथ इकट्ठा हुआ ना मिला हुआ भाई मिला हुआ होगा तभी तो पूरा इतना सुपर कॉन्टिनेंट बोला जा रहा है जिसका नाम क्या है गोंदवाना डिड इंडियाड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्क्टिका है ना और क्या बोला गया कि भाई इतने पुराने टाइम है कितना पुराना टाइम सिक्स हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलियन ईयरस पहले की बात है इतना बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट कौंतिन, था हर चीज़ से मिला हुआ और अगर हम प्रेजेंट अंटार्कटिका में देखें तो अभी तो सिर्फ रफली ही सेंटर्ड है थिंग्स एंड द क्लाइमेट वॉज मच व पोस्टिंग अवज वरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट है अभी के टाइम से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी क्योंकि उस वक्त जो है कोई भी किसी भी तरीके का ह्यूमन कॉन्टेक्ट नहीं था यहाँ पर है ना कोई भी ह्यूमन कॉन्टेक्ट नहीं था इंसान आए ही नहीं थे है ना और क्लाइमेट जो वेदर वगैरह है वो भी बहुत गर्म हुआ करता था वार्मर की तरफ था पोस्टिंग अजूज वरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना फ्लोरा एंड फोना पता है ना हमें फ्लोरा प्लांट किंगडम वगैरह में जो बात होती है और फोना एनिमल किंगडम वगैरह में जो बात होती है तो तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि भाई थोड़ी गर्म थी जगह कोई मतलब यहाँ इंसानों का लेना देना नहीं था तो जगह जो है बहुत ज्यादा अच्छी थी एंड फोना के लिए क्लियर फिर फॉर फाइव हंड्रेड मिलियन ईयर्स गोंदवाना थ्राइव गोंदवाना थ्राइव थ्राइव का मतलब बहुत अच्छा फल फूल रहा था बहुत अच्छा था But around the time when the dinosaurs were wiped out and the age of the mammals got underway, the landmass was forced to separate into countries, shaping the globe much as we know it today. Is it? Now, obviously, in laga प्लांट्स का क्या है जानवरों का क्या है वो तो रह रहे थे सब एक साथ रह रहे थे लेकिन जब डायनासोर्स वाइप आउट हुए मतलब डायनासोर्स जो है बिल्कुल लुप्त हो गए और मैमल्स मैमल्स कौन हुए हम इंसान और बंदर या अगर हम उस टाइम की बात करें तो पहले बंदर वगैरह है ना ऐसे जो इवोल्यूशन हुआ जो भी चीज़ें थी बेसिकली तो मैमल्स की बात हो यहाँ पे उन्होंने आके क्या किया भाई डिवाइड करना शुरू कर दी चीज़ें एरिया सेपरेट करना शुरू कर दिए और आज हम देख रहे हैं कि हमारा जो ग्लोब है उसमें हर चीज़ कैसे सेपरेटेड है तो वो बात हो यहाँ पे टू विजिट एंटार्क्टिका नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री टू गेट अ ग्राफ ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम इन वेयर वी कुड पॉसिबली हेडिंग है ना और अगर अब आप एंटार्क्टिका में जाओ ना तो अब आप जाके वो पुरानी वाली चीजें सोचोगे वहां पे कि हम कहां से आए हैं या हमारा पास्ट कैसा था हमारी हिस्ट्री कैसी थी वो वाली चीजों की यहां पे बात हो रही है क्लियर टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलरन फोल्ड एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट चील्स कॉर्डिलरन क्या होता है इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कार्डिलेरन फोल्ड एंड प्री कैमरिन गाइट शील्ड ओजोन एंड कार्बन एवल्यूशन एंड एक्सिस्ट एक्सटिंक्शन है ना तो अब यहाँ पे देखो क्या बात हो रही है कि भाई पहले जो है ना सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस होता है इम्पोर्टेंस किस चीज की इम्पोर्टेंस भाई जो पर्वत श्रृंखला है पर्वत श्रृंखला है उसकी वजह से क्या था भाई ओजोन और कार्बन की जो है सब अच्छी थी चीजें और एवोल्यूशन भी हुआ और एक्सटिंक्शन भी हुआ चीजों का है ना भाई क्या हुए Extinct हो गए और एवोल्यूशन हो रहा था मैमल्स का हो रहा था अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर इट कैन गेट फ्री माइंड बॉगलिंग और ये चीज कैसी हो सकती थी आगे बढ़ते बढ़ते दिमाग बिल्कुल हिला देने वाली इमेजिन इंडिया पुशिंग नॉर्थ वर्ल्ड जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट क्रस्ट

साउथ अमेरिका जो है पूरा नॉर्थ अमेरिका की तरफ ज्वाइन हो जाए ना और एक डरेक्ट पैसेज ओपन हो गया है ना तो ये सारी जो है तुम्हें बातें बताई जा रही हैं यहाँ पे इसकी वजह से क्या हो रहा है एंटार्टिका कैसा है एंटार्क्टिका कैसा है फ्रिजिड है डेसोलेट है और कहा बॉटम ऑफ वर्ल्ड है डेसोलेट क्या हुआ तुम्हारा बिल्कुल उजाड़ सी जगह है ना डेसोलेट हुआ उजाड़ सी जगह कहें डेसोलेट

उनके लिए ऐसी जगह जहाँ पे नाइनटी परसेंट जो है क्या है आइस वॉल्यूम्स स्टोर्ड हुई हुई हैं मतलब इतना ठंडा इलाका है उस बंदे के लिए दो हफ्ते जो बिल्कुल सन को वर्शिप करता है कैसा होगा है ना सिर्फ किस तरीके से सिर्फ वो फंक्शन बॉडी फंक्शंस की वजह से नहीं बल्कि इमेजिनेशन में भी कितना डिफरेंट होगा इट्स लाइक वॉकिंग टू अंट पिंग पॉन्ग बॉल डिड एनी ह्यूमन मार्कर्स नो ट्रीज बिल बोर्ड्स और बिल्डिंग्स कैसा लग रहा था ये क्योंकि देखो जहाँ पे सन होगा वहाँ पे अच्छे वार्मर एरिया होगा तो वहाँ पे फ्लोरा और होना अच्छा ज़्यादा डेवलप हो सकता है ना पता है ना ये तो बट एक जगह जहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है नाइंटी परसेंट जो आइस वॉल्यूम्स स्टोर्ड हुई हुई है उस जगह को कैसा बोला जाएगा कि भाई ऐसे जाइंट पिंग पॉन्ग बॉल के अंदर जाना जो डिवाइड है डिवाइड होना बिल्कुल खाली है चीज की वहां पे ना तो कोई ह्यूमन वो है है ना ह्यूमन मार्कर्स नहीं है कोई ट्रीज नहीं कोई बिल नहीं कोई बिल्डिंग नहीं कुछ भी नहीं है ऐसी जगह इमेजिन करने में आ रही थी क्लियर यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हेअ है ना क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं तो तुम्हें क्या सेंस लगेगा अर्थली सेंस की अच्छे अच्छे पेड़ पौधे जानवर या जो भी चीजें हैं वो नहीं हो सकती थी

कंट्रीज द लार्जेस्ट रिकॉर्ड वॉज द साइज ऑफ बेल्जियम है ना तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि भाई जो स्केल है वो कैसी थी छोटे कीड़ों से लेकर थोड़े बड़े कीड़ों तक और माइट्स होते हैं तुम्हारे किसी चीज के कर्ण ब्लू वेल्स एंड आइसबर्ग्स द लार्ज रिकॉर्डेड वॉज द साइज ऑफ बेल्जियम डेज गो ऑन एंड ऑन एंड इन सर ट्वेंटी फोर आवर ऑस्ट्रल समल होता है दक्षिणी

प्लेस है ना कौन सी ग्रेट होना है कॉन्सीग्रेट का देखो वैसे मीनिंग होता है ज्ञान देना है ना? लेकिन यहाँ पे क्या बात हुई मैं बताते हैं ठीक है समझ आ गया पहले इसमें जो भी टफ थे वो वर्ड मीनिंग्स मैंने निकाल दिया अब सुनो क्या कह रहा है यहाँ पे कि भाई डेज गो एन ऑन एंड ऑन इन सरियल ट्वेंटी फोर आवर ऑस्ट्रल समर लाइट है ना अब क्या हो रहा है कि भाई जो है दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं मतलब निकले जा रहे हैं और चौबीस घंटे की क्या है दक्षिणी तरफ क्या है समर लाइट है एंड आई यू बी कि साइलेंस हर तरफ कैसा है बिल्कुल सन्नाटा है इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवलांच और शीट देखे ना पूरे के पूरे पहाड़ पे से ऐसी वो आइस ढल जाती है है ना कितना उससे भी डिस्ट्रक्शन होता है पता है ना पूरे के पूरे पहाड़ों पे से ऐसे 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 आइस जो है नीचे आने लग जाती है उतर के वो होता है आपका एवलांच है ना और काविंग आइस शीट कॉन्सिक्रेट्स द प्लेस प्लेस वैसे मीनिंग हुआ ज्ञान देना लेकिन यहां पे बात क्या हो रही है कि से उसकी वजह ही जो है थोड़ा बहुत अटेंशन आता है वरना जो है बिल्कुल साइलेंट है जगह कोई आवाज नहीं होती इट्स एन इमर्जन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेक्ट ऑफ दर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री एंड प्रोग्नोसिस क्या होता है प्रोग्नोसिस का मीनिंग होता है रोग का लक्षण ठीक है तो ह्यूमन बींग के लिए ये चीज अच्छी नहीं है अब ये देखो यहां से हमने अभी तक हिस्ट्री जानी अब हम जानेंगे ह्यूमन इंपैक्ट की, की वजह से क्या क्या चीज हुई तो देखो यहां पर ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बिन अराउंड फॉर अ पाल्ट्री ट्वेल्व थाउजेंड ईय बेरली फ्यू सेकेंड्स ऑन द जोलॉजिकल क्लॉक तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि भाई जो है ह्यूमन ने अब आना शुरू किया था अपना सब जमाना शुरू किया था अराउंड फॉर पाल्ट्री पाल्ट्री मतलब कुछ कुछ ही मतलब कितने ऑलमोस्ट या कुछ ही बारह हजार ईयर्स है ना बेलिफ्ट ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक है ना क्योंकि बारह हज़ार ईयर्स की कोई वैल्यू नहीं है अगर हम इतने अभी जो हमने हिस्ट्री पढ़ी सिक्स थाउजेंड सॉरी सिक्स हंड्रेड फिफ्टी मिलियन ईयर्स की उसके आगे वो तो बहुत थोड़ा ही है बहुत कम ही है ये बारह हज़ार ईयर है ना तो यहाँ पे इसलिए पाल्ट्री वर्ड यूज हुआ है इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट एचिंग आर डोमिनचर विद आर विलेज टाउन सिटीज और मेगा सिटीज़ अब हमने क्या किया यहाँ पे आने के बाद इतने छोटे टाइम में ही हमने जो है इतना जो है आतंक मचा दिया इतना मतलब उथल पुथल कर दी हमारी डोमिनेंस हमारा जो, जो जोर है वो दिखाने के लिए नेचर के ऊपर गांव खड़े कर दिए टाउन्स खड़े कर दिए सिटीज़ खड़ी कर दी बड़ी बड़ी सिटीज़ खड़ी कर दी है ना फिर आगे क्या हो रहा है द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पीशीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज अब भाई जो इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है उधर जो है एनिमल पॉपुलेशन भी है और हम अगर ट्रीज की भी बात करें तो हमारी पॉपुलेशन क्या कर रही है क्या कर रही है एनिमल्स को भी हम हार्म कर रही है और ट्रीज़ को भी हार्म कर रही है कर रही है ना ह्यूमन स्पीसीज क्या कर रही है रिसोर्सेज बनाने के लिए एनिमल्स को भी हार्म कर रहे हैं और ट्रीज़ को भी हार्म कर रही है

स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है ना अब भाई क्या हो रहा है साथ में क्या कर रहे हैं हम जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं फ्यूल हुआ पेट्रोल हुआ कोल हुआ जो भी हुआ क्या कर रहे हैं उसको जला जला के यूज़ कर करके वो भी ख़त्म कर रहे हैं और साथ में क्या कर रहे हैं उसकी वजह से इतना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं कि उसने जो है एक चादर बना ली अपने अर्थ के पता है ना चादर बना ली एक अर्थ के अपने पूरे ऊपर है ना जिसकी वजह से क्या हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है टेम्परेचर बढ़ने की बात क्या हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आर टाइम अभी देखो कितना ज्यादा क्लाइमेटिक चेंज हुआ है हमारे है ना बारिश का मौसम कब आना चाहिए कब आ जाता है सर्दी देखो कब आ रही है गर्मी कितनी हो रही है है ना तो ये क्या है, ये क्लाइमेटिक चेंज है किसकी वजह से हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहे हैं सारे चेंजेस विल द वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि भाई इतनी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये जो एंटार्कटिका की जो पूरी आइस शीट है वो क्या कंप्लीटली जो है वो हो जाएगी मेल्ट हो जाएगी पिघल जाएगी गल्फ स्ट्रीम ओशन be disrupted? Disrupt करना किसी चीज को बाधित करना क्या ये बिल्कुल बंद हो जाएगा विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो it? मे बी मे बी नॉट और ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ेगी तो क्या होगा ऑब्वियसली यार आइस मेल्ट होगी तो कितने ज्यादा एवलांसेज आएंगे कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा आइस मेल्ट होके पानी में बदलेगी सुनामी आने की चांसेज हैं बहुत सारी चीजें होने के चांसेस है है ना तो इससे क्या होगा क्या हमारी अर्थ फिनिश हो जाएगी बिल्कुल ही दुनिया खत्म हो जाएगी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है इधर वे इज अ एलिमेंट इन दिस डिबेट और कुछ भी करो कुछ भी समझो एंटार्क्टिका जो है इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस वाद विवाद में नॉट जस्ट बिकॉज इट्स ओनली द प्लेस इन द वर्ल्ड विच अ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड देयरफॉर रिमेंस रिलेटिवली प्रिस्टीन इन दिस रेस्पेक्ट प्रिस्टीन अपन बोलते हैं प्राचीन है ना तो यहाँ पे क्या बात हुई क्योंकि इसलिए ही नहीं कि भाई ये एक ऐसी इकलौती प्लेस है जहाँ पे जो है ह्यूमन स्पीसीज नहीं रह सकती सिर्फ इसलिए बात नहीं है यहाँ पे है ना मोर इम्पॉर्टेंटली बिकॉज इट होल्ड इन इट्स आइस कोर्स हाफ मिलियन ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड स्ट्रैब एंड इट्स लेयर ऑफ आइस लेकिन इसलिए क्योंकि भाई इनकी जो ये इतनी आइस है ना उसके अंदर क्या है कार्बन है बहुत सारी

विच विल हेल्प दैम फॉस्टर अ न्यू अंडरस्टेंडिंग एंड रेस्पेक्ट फॉर आर प्लेनेट अब अगर आप चाहते हो कि आपको जो है हमारी जो पूरी अर्थ है उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जानना है तो एंटार्क्टिका से बेस्ट कोई जगह नहीं है और वह आप ख़ुद की बात करें कि भाई जैसे मैं काम कर रहा हूँ आज यहाँ पर एंटार्कटिका पे जो है मेरा वर्क है इस तरीके से हम जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स को ले जा सकते हैं उन्हें चीज़ें बता सकते हैं जिससे क्या होगा उन्हें फॉस्टर फॉस्टर होता है प्रो, प्रोत्साहन या प्रोत्साहित करना ठीक है मतलब उन्हें जो है मोटिवेशन मिलेगी कि वो इस चीज को जानने, जानेंगे भी और इस चीज की नॉलेज भी लेंगे और साथ में ही रेस्पेक्ट भी करेंगे हमारी अर्थ की कि यार अगर ये चीज़ हुई अगर हम ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ाएंगे इस तरीके से तो आगे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा कि अर्थ खत्म ही हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पे ये बात की गई है इतना समझ गया देख लो फिर आगे चलते हैं चले It's been in operation for six years now, headed by Canadian Get Off Green, who got tired of carting celebrities and get and retired. Rich curiosity seekers who could only give back in a limited way. With students on ice, he offers the future generation of policymakers a life-changing experience at an age when they are ready to absorb, learn, and most importantly, act. children. ये एंटार्कटिका की जो भी जो वर्क चल रहा है सब चल रहा है इसको ऑलमोस्ट छः साल होने को है ये एक कैनेडियन पे ऑफ ग्रीन नाम है उनका जो कैनेडा से बिलोंग करते हैं जो पहले क्या करते थे पहले सेलिब्रिटीज वगैरह को देखते थे उन्हें संभालते थे अब वो वहाँ से रिटायर हो गए और उन्होंने जो है ये चीज़ स्टार्ट करी है Hey and with students and eyes, he offers the future generation of policy makers a life changing experience at an age when they are ready to absorb, learn, and most importantly, act. students The reason the program has been so successful it because, is because it's impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. And this program is not known, which वो सक्सेसफुल क्यों है वो सक्सेसफुल इसलिए है कि आप जो है साउथ पोल के पास नहीं जा सकते वरना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है इट्स ईजी टू बी ब्लेज अबाउट पॉलर आइस कैप्स मेल्टिंग सिटिंग इन द कम्फर्ट जोन ऑफ आर रेस्पेक्टिव लैटीट्यूड एंड लॉन्डीट्यूड बट वैन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग एंड आइस कोलास्पिंग यू बिगिन टू रियलाइज दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी रियल आप देखो एक जब हम ऐसे देखते हैं कि अपनी कम्फर्ट जोन में बैठ कर जब हम टी वी में ये सारी चीज़ें देखते हैं तो हमें इतनी चीज़ें रियलाइज़ नहीं होती हाँ यार ठीक है हो गया ये जो भी नहीं लेकिन एक बंदा जो वहाँ ही रह कर ये चीज़ें देख रहा है एक्सपीरियंस कर रहा है उसे कैसा पता चल रहा होगा कि यार ये कितना लाइफ थ्रेटनिंग है कितना खतरा है कितना डेंजरस है ये है ना तो यहाँ पे वही बात की गई है Antarctica, because of our simple ecosystem and lack of biodiversity, is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. Repercussions are prakriya. Okay, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि एंटार्क्टिका जो है ना वो उसका इकोसिस्टम बिल्कुल सिंपल है तो सिंपल है क्योंकि वहाँ बायोडावर्सिटी नहीं है बायोडाइवर्सिटी मतलब फ्लोरा होना एनिमल्स ज्यादा चीजें नहीं है तो ये एक परफेक्ट प्लेस है ये सारे एग्जाम्पल्स एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि भाई थोड़ा सा भी चेंज जो है कितना ज्यादा पूरा इसको क्या बोलते हैं इसमें कॉन्सिक्वेंसिस ले आता है क्या नतीजे उसके बहुत ज्यादा बड़े निकल कर आ जाते हैं

जो ओशन जो पानी है पानी के अंदर है ये तो इससे क्या हो रहा है, जो पानी के अंदर जो चल रहा है उसको पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस अब ये क्या करते हैं प्लांट क्या करते हैं सनलाइट लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और क्या करते हैं इस तरीके से खुद का फूड बनाते हैं जो प्रोसेस क्या कहलाता है अपना फोटोसिंथेसिस that are uh, further scientists warn that a further depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplankton which in turn will affect the lives of all the marine animals and birds of the region and the global carbon cycle ab dekho kya hoga agar ab thoda sa bhi depletion hua ozone layer mein इससे क्या होगा phytoplankton प्लांटन की जो एक्टिविटी है उसमें चेंज आएगा जिसकी वजह से मराइन एनिमल्स जो हैं पानी में जो एनिमल्स रहते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे वो सरवाइव नहीं करेंगे तो जो बर्ड्स आते हैं जो है ना जो उनको खाते हैं आके वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और कार्बन साइकिल पे भी इससे बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ेगा इन द पैरेबल ऑफ द फाइटर प्लांट एन इज अ ग्रेट मैटर फॉर फॉर एग्जिस्टेंस टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इन प्लेस अब क्या बात हो रही है यहाँ पे कि भाई एक कहावत है पैरेबल होती है कहावत होती कहावत की भाई कहावत है फाइटो के बारे में कि तुम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे ना अगर तो बड़ी बड़ी चीजें अपने आप अपनी जगह पर सेटल हो जाएंगी ये एक कहावत है फाइटो के लिए कि भाई कहने का मतलब क्या है कि अगर ओजोन लेयर में थोड़ा सा भी डिप्लीशन हुआ तो फाइटो प्लांगटन अफेक्ट पड़ेगा तो ओजोन लेयर डिप्लीट ही मत करो है ना ये वाली बात है यहाँ पे फिर क्या आगे अब है वॉक ऑन द ओशन ठीक है अब हमने ह्यूमन इम्पैक्ट भी देख लिया हिस्ट्री भी देख ली अब ओशन पे जो बात चल रही है वॉक ऑन द ओशन की ओशन का एक्सपीरियंस क्या रहा अब उसकी बात करते हैं माई antarctic एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच epiphanies but बट द बेस्ट just जस्ट शॉर्ट ऑफ द circle सर्कल 65.55 सिक्सटी फाइव पॉइंट फाइव फाइव डिग्रीज साउथ ठीक है वो कहते हैं कि मेरा जो पूरा एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा बहुत सारे इंस्टांसेज हुए उसमें लेकिन जो बेस्ट था वो कहाँ का था वो था एंटार्क्टिक सर्कल का द शोकाल्स की हैड मैनेज टू वेज हर सेल्फ इंटू अ थिक वाइट स्ट्रेच ऑफ आइज बिटवीन द पेनसूला एंड टेटपोल आइलैंड विच वॉज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी पौध है ना और अब क्या बोलते हैं कि भाई जो ये है हमारी शोकाल्स की जो शिप है उसने खुद को मतलब मैनेज कर लिया था वहाँ बीच में घुसने के लिए और अब जिसकी वजह से क्या है अब इसके आगे हम जा नहीं पा रहे थे कैप्टन डिसाइडेड वी वार गोइंग टू टर्न अराउंड इन हेड बैक नोथ बट बिफोर वी we वी वार ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइम डाउन द गेंग प्लां एंड walk एंड walk ऑन the ओशन अब जो कैप्टन है उन्होंने क्या बोला कि भाई अब क्योंकि आगे हम जा नहीं सकते तो हम क्या करेंगे वापस जो है टर्न ले लेंगे लेकिन उससे पहले हम लोगों ने क्या किया क्या किया बताओ जरा कि जो गैंग प्लांक है ना गैंग प्लांक जो मतलब जो क्या बोलते हैं तखत बोल लो एक तरीके से ना तख्त है ना उस पर जाएंगे और क्या करेंगे ओशन पर वॉक करेंगे मतलब जो ऐसे पीसेस होते हैं आइस के होते हैं ना बड़े बड़े उस पर खड़े होंगे तो उससे क्या होगा हम वॉक कर पाएंगे कहा ओशन में so there we were all 52 of us kitted out in gore tacks and glares walking on a stark whiteness that seemed to spread out forever underneath our feet was a meter thick ice pack and underneath that 80 meters of living breathing salt water Now, gawa obviously gangplank, can the gangplank, a gangplaka ice clear ice clear obviously living breathing salt water hanapura obviously ocean or some mudra pani kesa outa in the periphery क्रैप बीटर सील्स व स्ट्रेचिंग पैरी फेरी होता है घेरा मतलब हमारे आस पास घेरा बना के क्रैप बीटर सील्स जो होती हैं वो स्ट्रेचिंग एंड सैनिंग दम्सल आइस फ्लोज मच लाइक स्ट्रेट डॉग्स विल डू अंडर द शेड ऑफ अर बेनियन ट्री मतलब वो खुद को मतलब ऐसे स्ट्रैच करेगी जैसे एक अगर हमें कुत्ता देखे बेनियन ट्री के नीचे आराम से बैठा इस तरीके से वो भी करेंगी इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ रेवल्यूशन एवरी थिंग डज इन डीड कनेक्ट नाइन टाइम्स थ्री बॉडीज ऑफ वाटर एंड मैनीको later, आई was स्टिल वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस and प्ले ऑन our प्लानट मतलब ये सारी चीज़ें पार करने के बाद भी मेरा थाट क्या चल रहा था कि यार मतलब किस तरीके से हमारे प्लानट ने जो है हर चीज़ बैलेंस कर रखी है वो देखो how would it be if antarctica were to become the warm place that it once used to be will uh, will we be around to see it अब वो क्या सोचने लग जाते हैं कि क्या होगा अगर अंटार्कटिका पहले जैसा जैसे वो warmer था गर्म था वैसा ही हो जाए क्या होगा क्या हम होंगे तब तक ये चीज देखने के लिए और would we have gone the way of the dinosaurs mammoths wooly rhinos और या फिर हम भी डायनोसॉर्स और मैमथ वगैरह की तरह क्या एक्सटिंक्शन हो जाएंगे लुप्त हो जाएंगे जब तक

मतलब ये फील हुआ कि हाँ भाई इनमें अभी भी वो चीज़ है कि हम वर्ल्ड कैसे बजा सकते हैं अपना प्लानिट कैसे बजा सकते हैं और इतना सारा मतलब इतने मिलियन ईयर्स में बहुत कुछ हो सकता है लेकिन जो एक दिन में बदलाव आता है उसका क्या तो इस तरीके से आपका जो है यहाँ पर चैप्टर की स्टोरी फिनिश होती है और इसके क्वेश्चन आंसर जैसे मैंने द टाइगर किंग और बाकी के कराए हैं वैसे ही कराऊंगी ना सारे एक साथ क्लियर तो तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ बाय बाय हैव अ नाइस